दुख का कारण क्या होता है वो बताता है, बड़े प्रेम से वो बताता है। केचित् विकल्प वशना आहुरात्मनमात्मनः दैवमन्ने परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम्। धर्म कहता है महाराज दुख के अनेक कारण बताए गए। पहला कारण वेदांती लोग अज्ञान को बताते, अज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से व्यक्ति दुखी होता है। जैसे स्वप्न में भी व्यक्ति दुखी होता है, जागने के बाद स्वप्न का दुख दूर हो जाता है। ऐसे जो सोया हुआ है, ज्ञान जिसके जीवन में नहीं है वो दुख का अनुभव करता है। दूसरा कारण भक्त लोग क्या कहते हैं, बोले भगवान की लीला, जैसे राम लीला में जो दुख सुख होता है, जो जानता है ये लीला है वो दुखी सुखी नहीं होता है, जो नहीं जानता है वो दुखी सुखी हो जाता है। तो भक्तों की दृष्टि से दुख का कारण है भगवान की लीला, दुख सुख का कारण। और जो कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत की दृष्टि में दुख का कारण है अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य। हमने जैसा कर्म किया है वैसा हमको परिवार मिला है, हमने जैसा कर्म किया है वैसा हमको व्यापार मिला है, ये हमारे कर्म का फल है, सामने वाला निमित्त बनता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा मित्र, ये तुम्हारे सत्कर्म का फल है, ये पुण्य का फल है। और महाराज अगर अच्छा न मिले तो तुम्हारे किसी पाप का फल है, सामने वाला निमित्त बनेगा, कर्म फल आपका है। हाँ, अच्छी पत्नी मिल जाए सोचो तुम्हारा सत्कर्म है, अच्छी पत्नी न मिले तुम्हारा सत्कर्म ठीक नहीं था। माने दुख का कारण तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं होता है। और चौथा कारण धर्म ने कहा स्वभाव, स्वभाव भी दुख सुख का कारण होता है। कई लोगों की जो आदत होती है ना, जो मैंने कहा ना निगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग, कई लोगों की आदत होती है बहुत अच्छा काम होगा, क्या बोलेंगे बाकी सब तो अच्छा हुआ लेकिन, लेकिन निकाल देंगे ये ठीक नहीं हुआ। हाँ, माने अगर 100 में से 90 काम अच्छा हुआ, 90% अच्छा हुआ, वो 90% नहीं दिखेगा, जो 10% ठीक नहीं हुआ 10% ही देखेंगे। कई लोगों की आदत होती, अब उसको कोई सुखी नहीं कर सकता है। हमारे गुरुजी के पास एक व्यापारी आए थे, 25 लाख का फायदा हुआ था, फिर भी वो दुखी दिखाई दे रहे थे। गुरुजी ने कहा मैंने सुना तेरे को 25 लाख का फायदा हुआ, दुखी क्यों है? बोले हाँ 25 लाख का मेरे को हुआ है लेकिन मेरे कंपटीटर को 50 लाख का हो गया है। अब इसका क्या उपाय, तुमको घाटा नहीं हुआ तुमको फायदा हुआ, कंपटीटर को 50 लाख का हो गया इसके लिए दुखी है, ये स्वभाव, ये नेगेटिव थिंकिंग। अब इसका कोई उपाय नहीं। धर्म ने कहा चार कारण दुख के होते हैं, अज्ञान, भगवान की लीला, अपना भाग्य या स्वभाव।